उत्तर प्रदेश की जनता को सीएम योगी ने होली के त्योहार से पहले बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि यूपी परिवहन निगम के 50 साल पूरे होने के मौके पर लखनऊ में 115 राजधानी और सामान्य बसों का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने शनिवार को राजधानी एक्सप्रेस बस सेवा को हरी झंडी दिखा दी। इस दौरान मंच पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र भी मौजूद रहे। बता दें कि यात्रियों की यात्रा को सुगम और बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन रिजर्वेशन ऐप भी लॉन्च किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रदेश के 1,00,000 राजस्व गांवों को बस सेवा से जोड़ने का है। 10 साल पुरानी बसों को स्क्रैप करके नई तैयार की जाएंगी। उन्होंने निर्देश दिया कि परिवहन विभाग, पर्यटन और राजस्व विभाग के साथ मिलकर ढाबे और होटल खुलवाने की योजना बनाए। इससे हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग से चालक और परिचालकों की फिटनेस टेस्ट कराने का MOU करें। 1,00,000 राजस्व गांव हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। लक्ष्य हमारा होना चाहिए उन सभी 1,00,000 गांव में परिवहन निगम अगर चाहे तो यह रेलवे से और एयर कनेक्टिविटी से बेहतर सेवा दे सकता है, बेहतर सेवा दे सकता है। 1,00,000 गांवों को, कुछ को परिवहन निगम और कुछ पे पीपीपी मोड पर अनुबंधित बसेज के माध्यम से उन गांवों को सेवाओं से आप जोड़ सकते हैं। आवश्यक नहीं कि सब जगह आप 50 सीटर बसेज ही भेजें, कुछ जगह 30 सीटर बसेज भेजिए, 20 सीटर बसेज भेजिए, जोड़िए। किसी यात्री के साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए, उसकी यात्रा सुरक्षित हो, आसान हो, हर व्यक्ति अपने गांव से अपने शहर की तरफ जा सके और शहर से गांव की तरफ भी आसानी से जा सके। अगर गांव से कोई सामान उसे लेकर के शहर की तरफ आना है, सब्जी मार्केट तक पहुंचाना है, आपकी सेवा उनकी सेवा के लिए तैयार हो। अगर अपना कोई सामान जिसको मार्केट की तरफ ले जाना चाहता, आपकी सेवा उसके लिए तैयार दिखाई। और आप इसके माध्यम से जगह जगह छोटे छोटे परिवहन निगम अगर इसमें सहयोग करें, पर्यटन विभाग के साथ मिल जाएं, राजस्व विभाग के साथ बात करें, कहीं पर अच्छे ढाबा बने, जनता को बुनियादी सुविधाएं मिले, अच्छे होटल बने, लोग जाएं उनका उपयोग करें। आप मान के चलिए 1,00,000 स्थानों पर आप इस सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं और लाखों नौजवानों को नौकरी, रोजगार और स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकते हैं। वहीं सीएम योगी ने परिवहन निगम के कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन प्रयागराज कुंभ और कोरोना के दौरान परिवहन निगम की भूमिका सराहनीय रही। कुंभ के 45 दिन के आयोजन में 24 करोड़ श्रद्धालु सहभागी बने। श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा कराने में परिवहन निगम ने अच्छी भूमिका का निर्वहन किया। वहीं सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान परिवहन निगम के चालक, परिचालक, अधिकारी हर किसी को गंतव्य तक पहुंचाने में लगे रहे। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।